नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर, और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है साहित्यकारों की जीवनी, व्यक्तित्व और उनका कर्तित्व को लेकर। तो साथियों, इस प्रकरण के संदर्भ में हमने पूर्व की वीडियो व्याख्यानों में भी अध्ययन किया है। और साथियों, इससे पूर्व हमने व्याख्यानों में हमने कबीर के बारे में संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय जानने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से हमने महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ा और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हमने भी अध्ययन किया है। तो साथियों, ठीक उसी प्रकार से आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रकवि रामधारीसिंह दिनकर के बारे में। जो एक राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त के बाद में यदि द्वितीय नंबर पर, द्वितीय स्थान पर किसी कवि को माना जाता है तो वो है रामधारीसिंह दिनकर को लेकर। और उनका जो जीवन का जो चरित्र है वो उतना ही दिनकर, मतलब सूर्य की तरह एक ज्वलनशील है, एक प्रकाशित है, एक प्रचंड रूप में एक ज्योति को धारण किए हुए हैं, एक प्रकाश को धारण किए हुए हैं। तो उनका चरित्र जो क्रांति को लेकर है या राष्ट्रीयता को लेकर है, राष्ट्रभूमि के भावों से भरे हुए हैं, तो उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता का प्रेम एक प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो आइए साथियों, हम के बारे में एक संक्षिप्त रूप में जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं उनके जन्म के लेकर। साथियों, रामधारीसिंह दिनकर का जो जन्म है वो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार में मुंगेर जिला है, बिहार राज्य के मुंगेर जो जिला है वहां एक गांव पड़ता है सिमरिया। वहां सिमरिया एक घाट का नाम है, गांव भी है और गांव के ऊपर एक घाट बना हुआ है। उस घाट के आसपास कोई बस्ती थी वहां पर हुआ था, क्योंकि घाट के आसपास कृषक परिवार रहता था और उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति थी वो एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म होता है रामधारीसिंह दिनकर का। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय में होती है, ये तक की शिक्षा वही होती है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा उन्होंने अपने गांव में प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद बीए तक की जो शिक्षा है वो पटना विश्वविद्यालय तक प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो काव्य के क्षेत्र में अपना पदार्पण करते हैं, काव्य के क्षेत्र में लेखन कार्य स्वतंत्र रूप से आरंभ करते हैं। तो उन्होंने मतलब अपने जीवन में लेखन क्षेत्र में एक अग्रणी नाम कमाया और विभिन्न क्रांतिकारी आंदोलनों में भी अपना पूर्ण सहयोग दिया, और इसलिए उनको कई बार अंग्रेज सरकार का उप भाजन भी बनना पड़ा। अंग्रेज सरकार ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से अब उनके लिए कुछ विशेष बात जो सामने की मैंने अध्ययन करके भी लिखी है, ताकि क्या है कि समय व्यर्थ न हो, समय को बचाने के लिए मैंने कुछ मुख्य बातों को यहाँ पर
संक्षिप्त रूप में आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। तो आइए साथियों, विशेष जो इनके जीवन में कुछ बात की, तो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद उन्होंने कई विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, और सेवाएं प्रदान करते हुए हमारे भारत को उन्होंने नई ऊर्जा का संचार किया है, और भारत को एक सही मार्गदर्शन देते हुए उन्होंने हर जितने भी विभागों में रहे अपनी उत्कृष्ट सेवाओं का प्रदर्शन करते रहे। तो देने के बाद अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में वो हिंदी सलाहकार के पद पर बने रहे। तो विभिन्न सेवाओं विभिन्न विभागों में उन्होंने अपनी सेवाएं तो दी, लेकिन उसके बाद में अंत में वो भारत सरकार का जो हिंदी सलाहकार विभाग था, हिंदी भाषा को लेकर जो सलाहकार विभाग बनाया जाता है, उसमें वो सलाहकार के पद पर आसीन रहे और बहुत ही गौरवपूर्ण सेवा जिस पर उन्होंने दी है। और एक विशेष बात और भी सामने आई है कि 1952 में इनका 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं इनकी काव्यकृतियों के बारे में। तो इनकी जो प्रमुख काव्यकृतियां हैं, प्रमुख काव्यकृतियां जो है वो है रेणुका, सबसे पहली है रेणुका, हुंकार, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये भी उनकी काव्यकृति है, प्रसिद्ध काव्यकृति है। फिर है कुरुक्षेत्र। साथियों, जो कुरुक्षेत्र जो है काव्यकृति, इस काव्यकृति को विश्व के ऐसे सौ मान सकते हैं, 100 सौ श्रेष्ठ काव्य, सर्वश्रेष्ठ काव्यकृतियों में उसको स्थान दिया गया है। मैं लिख देता हूं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सौ काव्यकृतियों में इसको कुरुक्षेत्र को 74वां स्थान प्राप्त है। यह हमारी बहुत ही गौरव की बात है। फिर है परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, उसके बाद है रश्मिरथी, रश्मिरथी जिसे नाम से स्पष्ट है, रश्मि मतलब किरणें, और रथ किरणों के रथ पे धारण करने वाला, सूर्य के लिए लिखा हुआ रश्मिरथी। अब बात आती है साथियों उनकी पुरस्कार या सम्मान को लेकर, उन्हें पुरस्कार या सम्मान क्या दिए गए। सबसे पहले सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया, और उनकी जो काव्य कृति थी उसका नाम था संस्कृति के चार अध्याय। संस्कृति के चार अध्याय एक निबंध रचना है। संस्कृति के चार अध्याय रचना पर उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक उसी प्रकार से 1959 में ही हिंदी साहित्य की सेवाएं करने के उपलक्ष्य में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, और 1972 में उन्हें
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1972 में, 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। और वो जो कृति थी, जो काव्य रचना थी, उसका नाम था उर्वशी। ये उर्वशी थी, उर्वशी काव्य रचना उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ का मिला 1972 में, 1972 में उन्हें सम्मानित किया गया उर्वशी पर। और साथियों 1974 में, 1974 में और उनकी मृत्यु होती है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर की जो मृत्यु होती है 24 अप्रैल 1974 में मद्रास में होती है, मद्रास तमिलनाडु में, मद्रास तमिलनाडु। तो साथियों हिंदी साहित्य जगत का एक उज्ज्वल जो सितारा है, हिंदी साहित्य जगत का उज्ज्वल सितारा है, वो 24 अप्रैल 1974 को हम सभी को छोड़कर अपने अपने जीवन की एक अंतिम यात्रा को चला जाता है। तो साथियों हम सभी हिंदी जगत के लोग दिनकर जी के आजीवन ऋणी रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।